अरे ओ चार चार बेटियों की अम्मा, अब की बार ऐसे हट्टे कट्टे गबरू बेटे को जन्म नहीं दिया ना तो हम पूरे शहर में आग लगा दूंगा। ओ भाभी मत रो। अरे इनको रोने दीजिए, ये तामीर होने के किया है। हमको 5 साल में 4 बेटियों का बाप बना दिया है, हमारी मूछें नीची करा दी है, वरना हमारी जैसी बलदार मूछें ना पूरे शहर में किसी की नहीं थी। अब आप ही बताइए ना दीदी, इसमें हमारी क्या गलती है? आप फिक्र मत करो भाभी, भैया राज है ना बहुत बड़े डॉक्टर है, सब ठीक हो जाएगा। अरे तभी ना हम इनको मुंबई में लेकर आए। हाँ मिठाई मिठाई खा लो, मुबारक हो मुबारक हो। ये लो भाभी ये लो। अरे गुल्लू आप ये किस खुशी में मिठाई बांट रहे भाई? हमारे पड़ोसी है ना मिस्टर पुत्रन, उनके यहाँ बेटा हुआ। नहीं अरे तो क्या वो बेवकूफ बिटिया होने खुशी मिठाई बांट रहे हैं? उनके यहाँ अल्सेशियन कुत्ती है, उनको 4 पिल्ले हो गए, वो भी 4 कुत्ते। जाजी की दवा से भाभी को भी पिल्ला होगा। एक और पूरी लीजिए। ठीक है। अरे लीजिए मैं स्वीट स्वीट भाभी लीजिए लीजिए। ए लक्षो बहना की कागज कर रही हो? क्यों? इनको सिर्फ पराठा खाने दीजिए और ये बर्फी है ना और पूरी, ये सब जनाना चीजें यहाँ से उठवा दीजिए। इनके लिए एक ग्लास दूध भी मंगाइए। ओफो भैया दूध आ जाएगा, लेकिन ये मर्दाना जनाना चीजें ऐसे वैसे खाने से लड़की होती है लड़का होता, ऐसे थोड़ी होता है। देखो लच्छो बहना तुम शहरी लोग हो ना, ये देसी टोटके नहीं समझते हो। हमने तो अपने घर से चादर और चटाई भी बाहर फिकवा दिया है, इतनी गर्मी है, लेकिन हम गद्दे के ऊपर कम्बल ओढ़कर सोता हूँ। इस्तेमाल की सब चीजें मर्दाना होनी चाहिए, तभी ना बेटा पैदा होगा और तभी तो हमारा नाम आगे बढ़ेगा ना। आप लड़कियों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? नहीं लच्छो हम अपनी बेटियों से नफरत नहीं करते हैं, हम तो उनको बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों ने तय किया है कि शादी के बाद अपने दामादों को घर जमाई बना लेंगे, लेकिन 5वां बेटा होना चाहिए, हमारा नाम आगे बढ़ना चाहिए बात। लेकिन जब हमारे नसीब में लड़की ही लिखी हो तो बेचारे राज भैया भी क्या करेंगे? अरे ऐसी गम में तो हम भी दुबला रहे हैं ना। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं भैया, हमारे जीजा जी के पास ऐसी गोली है जो लड़की को लड़का बना देती है। गुल्लू। हाँ दीदी तू भी एक बात ध्यान में रखना, जीजा जी को ये कहना कि भाभी को लड़का होने की गोली ना दे। क्यों भैया? क्यों? गोली भी जनाना होती है ना। राज बाबू राज बाबू अब तो आप ही हमारी नैया पार लगा सकते हैं। देखो भैया इस नैया की खिवैया तो आप ही हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा नहीं ना कहिए, जब तक आप हमको वचन नहीं देंगे कि हमारे घर बेटा ही होगा हम आपके चरण नहीं छोड़ेंगे। अरे लक्ष्मी समझाओ ना इसे, मैं गिर जाऊंगा भाई। राज राज तुम वचन दे दो ना, मैं भैया को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो तुम्हें गिरा देंगे, सच्ची गिरा देंगे। गिरा देंगे? हाँ। भैया सुनिए मैं वचन देता हूँ, अब उठो। देखिए राज बाबू हम आपके वचन को गीता की कसम मानकर आपके चरण छोड़ दिए हैं, लेकिन कुछ भी हो हमारे घर बेटा ही पैदा होना चाहिए। हाँ देखिए ये एक सिस्टम होती है सोनोग्राफी, उससे बेटा पैदा होता क्या? बेटा नहीं। अरे तो गोली मारिए सोनोग्राफी को। हमको गुल्लू बता दिया है कि आपके पास एक ऐसा इंजेक्शन है जिसके लगाने से पेट के अंदर लड़की लड़का बन जाता है। ऐसा तो कोई इंजेक्शन है ही नहीं भाई हमारे पास, किसमें? अरे कुछ महंगाई होगा ना, छोड़िए ऐसे की कोनो चिंता मत कीजिए, हमारे घर बेटा हुआ ना तो हम आपको सोने के बिस्कुटों में तोल देंगे। देखिए भाई साहब मुझे तो सादे बिस्किट हजम नहीं होते। वैसे आप करते क्या है? हम यही 2 नंबर का धंधा करते हैं भाई, और कुल देवी की कृपा से हमारे शहर में सबसे बड़ा गैंग हमारा ही है, यानी कि हेकड़ी प्रसाद का। क्या बात है क्या बात है, इतनी बड़ी हस्ती हो, लेकिन लक्ष्मी हमारी शादी में तुमने इनका तारुफ ही नहीं करवाया। अरे क्या हुआ, त्योहार शादी के टाइम पे ना हम एक डॉक्टर हुआ के मर्डर के केस में जरा अंदर चले गए थे। डॉक्टर हुआ के मर्डर के केस में क्या हुआ था? वो डॉक्टर हमको बोला था कि इस बार हमारे यहाँ बेटा होगा और हो गए बिटिया, वो 3 नंबर के हमारी फुल्लो है ना वही। बस फिर क्या था, उसने अपना वचन तोड़ दिया, हमने उसको ही फिरा डाला। वाह 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 क्या बात है, छोटे साले तो छोटे साले, बड़े साले माशाल्लाह। अरे वो गुल्लू तू जैसे उल्लू की वजह से मुझे चुल्लू भर पानी में डूब मरना पड़ेगा पता है। चुल्लू भर पानी में आप डूब ही नहीं सकते तो मर कैसे सकते? लाजी नहीं तो क्या, काम का टेंशन लेते हो। टेंशन? अरे वो हेकड़ी सिंह जो हेकड़ी नहीं हेकड़ी सिंह नहीं राज हेकड़ी प्रसाद, मेरे भाई का नाम हेकड़ी प्रसाद है। हेकड़ी प्रसाद है ये, बोलो अगर उसने सुन लिया तो मेरी खोपड़ी तोड़ देगा वो। क्यों क्या किया आपने? अरे तो तुमने वो झूठी बात क्यों बताई इंजेक्शन वाली? वो आपका ग्रेटनेस बढ़ाने के लिए बताई। अरे ग्रेटनेस काहे का, तुमने मेरे मरने के चांसेस बढ़ा दिए पता है। नेगेटिव थिंकिंग क्यों करते हो राज, जरा सोचो उसको लड़का हो गया तो कुल्लू सोने के बिस्किट मिलेंगे। लेकिन लड़की हुई तो काट डालेगा।
काट नहीं डालेगा, फिरा डालेगा। फिरा डालेगा, बात तो एक ही हुई ना, मुझे जान से मार डालेगा। और फिर वो एक खून भी तो कर चुका है। एक? अरे एक नहीं राज, मेरे भाई 7-7 मर्डर कर चुके हैं। 7-7 मर्डर कर चुके हैं, वाह वाह। और अभी तक बाहर है। वो तो कुछ नहीं, उनके पिताजी है ना खंजर सिंह, उन्होंने 17 मर्डर किए हैं। 17 गिनीज बुक में नाम है उनका। गिनीज बुक में या खूनीज बुक में? मैथ किताब आया क्या? लाइब्रेरी चलते हैं। क्यों जी, लगवा इंजेक्शन हुआ? इंजेक्शन नहीं, आज तो सिर्फ सोनोग्राफी की थी, है ना भाभी? वो कहाँ होता है? अरे वो जी, वो टीवी जैसी दिखने वाली मशीन, जिसमें देखकर पता चलता है कि बबुआ है या बबुनी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मशीन की बात करत हो जो हम एक बार तोड़ डाले थे। तोड़ डाले थे? अरे क्या हुआ डॉक्टर बाबू, हमारी जो छुट्टी आने वाली थी ना, तो डॉक्टर बाबू मशीन में देख के बताए कि कन्या आने वाली है। फिर? अरे फिर क्या, फिर गई खोपड़ी हमार। जिसके घर में 3-3 कन्या पहले कुंडली मारकर बैठे हो, उसको मशीन बताए कि फिर कन्या आने वाली है, तो तोड़ेगा नहीं तो कहाँ करेगा? अरे भाई, लेकिन मेरे पास तो एक ही मशीन है। आज बाबू तुम एक मशीन की बात करो तो, उस डॉक्टर के पास तो अस्पताल भी एक ही था। और हुआ छुट्टी का जन्म, और हमने कर दिया उसका अस्पताल भस्म, आग लगा डाले हम। देखिए 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 हेकड़ी प्रसाद जी, आजकल के जमाने में ये हेकड़ी अच्छी नहीं होती। अब देखिए ना, 1996 में आप 1946 वाली दखियानुसी बातें करते हैं। आजकल के जमाने में लड़कियों ने कितनी तरक्की की है भाभी, याद है? लड़की लोग अपनी तरक्की खुद ही कर लेते हैं। हाँ। लेकिन बेटे की तरक्की तो हम करूंगा ना। पर इस बार होना बेटा ही चाहिए। चलो जी। फीमेल चाइल्ड लड़की है? नहीं, लगता है ये हेकड़ी प्रसाद 8वां मर्डर करके ही पटना लौटेगा। भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। निर्दयी, तुम भी बदल गए ना अपने वचन से। आपका केस ही बिगड़ा हुआ था तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो लाख कोशिश की थी। आप कोशिश किए थे? हम कितनी बार कहे थे तो लगा दो इंजेक्शन, लगा दो इंजेक्शन। नहीं ना सुने हमारी बात? आप मेरी बात समझ नहीं, नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात। अब तो तुम चीखोगे और दुनिया सुनेगी। हमारे दरबार में तुम्हारी भूल की यही सजा है। अरे नहीं, नहीं, क्या कर रहे हैं आप? इस तमंचे से तो मैं मर जाऊंगा भाई। बिल्कुल ठीक समझे हैं। अगर अपने प्राणों की इतनी चिंता थी तो क्यों नहीं मान ली हमारी बात? क्यों नहीं गया एक ठो बेटा? अरे एक ठो बेटे के लिए आप मुझे ठो करने वाले हैं? आज क्या हुआ? लक्ष्मी लक्ष्मी, अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो ना, ये तुम्हारे सुहाग की बलि चढ़ाना चाहता है। इसके पैरों में गिर जाओ, गाने गाओ, गिड़गिड़ाओ, अपने सुहाग को बचा लो, कुछ करो लक्ष्मी। दूर हो जाओ मेरे नजरों के सामने से। भैया ने मांगा था लड़का और तुमने दी लड़की, यानी तुम भी भड़की। भैया एक गोली मेरी तरफ से भी मारना। ठीक है भैया। नहीं नहीं नहीं, अरे लेकिन अभी तक लड़की हुई कहाँ है? ये लड़की नहीं तो क्या है निर्दयी इंसान? अब हो जा अपनी मौत के लिए तैयार। नहीं नहीं। क्या हुआ राज? लड़की भारी सा पत्थर बंधवा कर गंगा जी में फिंकवा दीजिएगा। हाँ, और सुनिए, वो पांचों जो है ना, उनसे 50-50 हजार रुपए का शर्त लगा लीजिए। अरे नहीं भाई, इस बार लड़का ही होगा। हमारे राजबाबू बहुत बढ़िया डॉक्टर है, वो हमको वचन दिया है भाई। लक्ष्मी प्लीज उसे रोको, अगर वो 2.5 लाख हार गया तो 2.5-2.5 करके 2.5 गोली मेरे सीने में डाल देगा। ओ, इतनी सारी गोलियां नहीं, एक बस है। गोलियां कितनी महंगी है मालूम है? अरे भाई इनके हाथ पैर तुड़वा दिए जाएंगे, लेकिन वो डॉक्टर को मत छोड़िएगा। हाँ, खुश रहिए, जीते रहिए। अरे भाई राज बाबू बहुत परेशान लग रहे हैं। अरे कोनो प्रॉब्लम हो तो हमको बताइए। भैया ये तुम्हारी पिस्तौल से डर रहे हैं। अरे ऐसे डरने की कोनो बात नहीं है, वो
मतलब एक डॉक्टर वाली बात कर रहे थे। हाँ, लेकिन आप अमूमन डॉक्टरों का ही शिकार करते हैं। क्या मतलब भाई? यानी कि आप सिर्फ डॉक्टरों को गोलियों से मारते हैं? अरे भाई कहाँ मार पाए हैं, केवल तीन ही मार पाए हैं। तो क्या हुआ हमारे भड़की के टाइम पर ना भाई, चानस हमारा रिवॉल्वर खाली था। तब भी मैं कहूँ चार लड़कियों के हिसाब से चार डॉक्टर मरने चाहिए। राज, अच्छो बहन, तब से हम भी बहुत होशियार हो गए हैं, रिवॉल्वर पूरा भर के रखते हैं। अच्छा, अभी भी भरा हुआ है? अरे पूरी छह गोलियां है भाई। गोलियां छह और डॉक्टर एक, अब तेरा क्या होगा जाड़िया? जीजा जी कहाँ चले गए? जीजा जी एकड़ी प्रसाद की टांगों के नीचे। क्या देख रहे जीजा जी? एकड़ी प्रसाद के चौथे शिकार की फोटो। ये तो बच्चे की फोटो है जीजा जी। बोलू तू अब कौन सी नई मुसीबत ले आया तू? हम भाभी के पेट में दर्द हो रहा है, आपको अस्पताल आना पड़ेगा। मर गया, मर गया गुल्लू, क्यों मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ तू? क्या बात करो जीजा जी, मैं आपका साला हूँ, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? अरे साला तो वो भी है, लेकिन हाथ धो के मेरी जान के पीछे पड़ा है कि नहीं? आप डरो मत जीजा जी, भाभी को लड़का ही होने वाला है। अरे कैसे लड़का हो सकता है, सोनोग्राफी की रिपोर्ट मैंने देखी है, लड़की है। लड़की? भैया लड़की? मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करोगी? लिसन, अपने हॉस्पिटल में वो 9 नंबर वाली औरत है ना? 9 नंबर वाली औरत? उसको 3 लड़के हैं। उसको लड़की चाहिए। भाभी को जो लड़की होगी वहाँ टिक्का डालेंगे और वो लड़के को उठा लेंगे। यार ऐसा कुछ करो वरना मैं दुनिया से उड़ जाऊंगा। डॉक्टर साहब कितने देने के? क्यों डॉक्टर साहब, मेरे पेट में बड़ी गड़बड़ी है क्या? आप इतनी चिंता में क्यों पड़ गए? अरे भाई चिंता तो होगी ना, तो आप कुछ कीजिए ना। मैं क्या कर सकता हूँ, सोनोग्राफी की रिपोर्ट भी वही बता रही है जिसका डर था। कैसा डर डॉक्टर साहब, मेरे को क्या होगा? लड़की होगी, लड़की, और मेरी जान जाएगी। लड़की? अरे क्या बात कर रहे हैं, मुझे कैसी लड़की होगी? आप डॉक्टर है या गन चक्कर? अरे क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ? क्या हुआ क्या? अरे मुझे कुछ हुआ नहीं है, तुम्हारे इस डॉक्टर का दिमाग घूम गया है। वो मुझे कहता है लड़की होगी लड़की, एक मर्द को कभी लड़की होती है क्या? अरे डॉक्टर है या गन चक्कर, कैसा डॉक्टर है ये? क्या हुआ डॉक्टर साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं आपको कुछ दूं? हाँ हाँ, मुझे दो, मुझे लड़का दो, एक चांद सा गोरा गोरा चांद का टुकड़ा लड़का दो, जल्दी से। लेकिन ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? सब हो सकता है, सब हो सकता है नर्स, अगर तुम अपने मन में ठान लोगी ना तो जरूर होगा। एक चांद राज, लड़का मिल गया। राज, लड़के का इंतजाम हो गया क्या? राज, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब मुझसे मांग रहे हैं। वेरी गुड, तो आप ही कुछ कीजिए ना नर्स। आपको कोई एतराज नहीं होगा? अरे मुझे कैसे एतराज हो सकता है, आप तो मेरी बहन जैसी है। बस हमें एक लड़का दे दो। हाँ, हमें एक लड़का दे दो, जल्दी से हमें एक लड़का दे दो। हाँ, जल्दी, हाँ, जितना हो सके उतना जल्दी। हे भगवान, बेटे का अरमान पढ़े लिखे लोगों को भी पागल बना देता है। अरे क्या हुआ? हाँ साहब, होने वाला है, होने वाला है। अरे जल्दी कीजिए। हे भगवान, भगवान के लिए उसे लड़का दे दे, या कम से कम वो 9 नंबर वाली को तो लड़का दे ही दे। राज, राज अब क्या होगा? क्या हुआ? वो 9 नंबर वाली ने लड़का देने से इनकार कर दिया? वो तो तैयार है। अच्छा? लेकिन उसको लड़की हुई। हे राम, बच्चे का बंदोबस्त हो गया, बच्चे का बंदोबस्त हो गया। गुल्लू तुम कितने अच्छे हो, तुम गुल्लू नहीं गुल बकावली हो, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं बोलूंगा। गुल्लू बच्चे का बंदोबस्त, लड़का तो अच्छा है ना? 6-7 पाउंड का है ना? 6-7 पाउंड, 25 किलो वजन है उसका। हेल्दी बेबी। 25 किलो? गुल्लू तुम इंसान नहीं बच्चा ले आए हो? तुम मेरे भाई को बेवकूफ समझते हो क्या?
नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें अल्बर्ट आइंस्टाइन समझता हूँ। बात ऐसी है कि वो 6-7 दिन का बच्चा होता है ना, वो 6-7 पाउंड का ही होता है गुल्लू। 6-7 दिन का कौन बोला आपको, कौन बोला? मैंने 10 साल का लड़का लाया, 10 साल का। भैया को प्रेजेंट देना था ना, तो बोला बड़ा प्रेजेंट दे देंगे। भाभी भी खुश हो जाएगी, रेडीमेड 10 साल का बच्चा मिला। अरे क्या हुआ, फिर से कहिए। अच्छा बाहर पटाखे क्यों बजा रहे हैं? कौन जाने, इंडिया जीत गई होगी। बीच में डीजा की देखा गए। राज, राज ये तुम्हें क्या हो गया? मुझे लड़का हुआ। राज मैं कहाँ? बस बस, तुम अपने कमरे में हो और अपने बिस्तर पे लेटे हुए हो। हे राम। डीजा जी एक ही हो गया। गुल्लू ना रो, गुल्लू ना रो। अरे जो कुछ भी होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है रे। मैं वही सोच रही हूँ, ये कैसे हो गया? ये सोनोग्राफ, हाँ सोनोग्राफी की टूटी हुई मशीन भी तो रिप्लेस करनी पड़ेगी। हाँ जीजा जी, अस्पताल को कलर भी करना पड़ेगा। हाँ लक्ष्मी, काश मैंने अस्पताल का इंश्योरेंस किया होता। तो तुम आ गए? हाँ आ गए हैं, और खाली हाथ नहीं आए हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं। मैं भी तैयार हूँ। अरे मरना तो एक दिन सभी को है, तैयार हूँ मैं। अरे बहनों जी, आज हम बहुत खुश हैं, और ऐसे मौके पर तो आपको भी खुश होना चाहिए ना। देखा लक्ष्मी, इसे कहते आयरनी ऑफ लाइफ, मुझे खुश होने को कह रहा है तुम्हारा ये भाई। अरे राज, लेकिन मैं भी खुश हूँ, इनफैक्ट भैया से ज्यादा खुश हूँ। ए तू ब्रूते, यार मेरे मरने की खुशियाँ मनाई जा रही है। ए राज। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम तो भैया 100 वर्ष जियोगे। यानी तुम मुझे नहीं मारोगे? तो फिर वो पिस्तौल क्यों छुपा रखा है? अरे पिस्तौल, और हम तो मिठाई लेकर आए हैं। मिठाई? अरे भाभी को लड़का हुआ है, वो 9 नंबर वाली औरत है ना, उसको लड़की हुई। अच्छा अच्छा, 9 नंबर वाली को लड़की हुई? ऐसे ऐसे नहीं, सचमुच वो सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स बदल गई थी। उस 9 नंबर वाली को लड़की हुई और भाभी को लड़का, राजकुमारों जैसा। लेकिन मेरे जैसा इंटेलिजेंट, देखना लाठी खानदान का नाम रोशन करेगा। क्या लाठी खानदान में एक रंग का और इजाफा?